अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमाज किचन। आज मैं बहुत ही मजे की मैक्रोनी बना रही हूँ, शेजवान मैक्रोनी। चलें सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पाव के करीब 250 ग्राम मैंने ये बोनलेस चिकन लिया, जिसकी मैंने छोटी बोटियां कर ली हैं। अब इसमें डालूंगी मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें जाएगा 3 टेबलस्पून सोया सॉस। 1, 2, 3। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर जाएगा। 1, 2। अब इन सारी चीजों को मैं करूंगी अच्छी तरह मिक्स। अब इसको मैं अच्छी तरह चिकन में मिक्स कर लूंगी। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, मैक्रोनी को बॉयल कर लेंगे। आप चाहें तो मैक्रोनी की जगह पे पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस पैन में पानी गर्म हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ली है मैक्रोनी 1 पैकेट। अब ये पानी गर्म हो गया, इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो पास्ता भी लें, मैंने यहाँ पर मैक्रोनी ली है। अब इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून ऑयल के। अब इसको हम कुक होने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। सात से आठ मिनट हो गया, इसी तरह मैं इसको पका रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको मैं छन्नी में डाल के इसका पानी निकाल के इसको ठंडे पानी से वॉश करूंगी और 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें लगा दूंगी ताकि मैक्रोनी हमारी चिपके ना। मैक्रोनी को हमने बॉयल करके ठंडे पानी से वॉश करके और 2 टेबलस्पून ऑयल लगा के रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, गर्म हो चुका है। अब चिकन की एक एक बोटी करके हम डालेंगे और चिकन को फ्राई करेंगे। अब सारी चिकन इसमें चली गई है, लो टू मीडियम मैंने इसकी आंच की हुई है। अब इसको गोल्डन करके हम चिकन को निकाल लेंगे। चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी। ये सारी चिकन मैंने प्लेट में निकाल ली है। अब कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जिनमें लिखा होता है 1 कप पास्ता सॉस, तो वो आपको मैं पास्ता सॉस की रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें डालूंगी 1 कप केचप, 2 टीस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। अगर आप पास्ता में डाल लेंगे पहले तो फिर इसको आपने बिल्कुल नहीं डालना, बस यही चीज़ें आपने डालनी है। लेकिन आपको मैं पूरी पास्ता सॉस बता रही हूँ ताकि आप मैक्रोनी में मसाले के साथ ही सारी ये सॉस डाल दें, फिर आपको नमक वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी इसमें चला जाता है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये पास्ता सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल रहने दिया, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन बारीक कटी हुई। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये 1 से 1.5 मिनट हो गया, मैंने लहसुन और अदरक को मैंने यहाँ पे सोते कर लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब इसमें 1 कप कटी छोटी लंबाई में गाजर और 1 कप मैंने शिमला मिर्च लिया लंबाई में बारीक कटी हुई, ये डाल देंगे। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सोते कर लूँगी। ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको हाई फ्लेम पे सोते कर लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 कप कटी बंदगोभी भी है, ये चली जाएगी। अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको सोते कर लेंगे। बंदगोभी भी हमारी सोते हो चुकी है, इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कर लिया। अब ये जो सॉस है ये चली जाएगी इसमें। इसको मैं इसे मिक्स करूंगी। ये
बस 1 मिनट के लिए इसमें मैं मिक्स करूँगी। बस इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए इसमें पका लिया। अब इसको मैं साइड से करूँगी। बड़ा बर्तन लेंगे ताकि हम इसमें मैक्रोनी भी शामिल कर सकें। अब ये वेजिटेबल सॉस मैं ये कढ़ाई में डाल दूँगी। अब साथ ही इसमें मैक्रोनी चली जाएगी, ये बॉयल मैक्रोनी में जाएगी। अब ये फ्राइड चिकन चला जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पका रही हूँ। सिर्फ इसको हम मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ये 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये अभी हमारी शेजवान मैक्रोनी तैयार है, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये डिश हमारी बिल्कुल तैयार है, शेजवान मैक्रोनी, जो बहुत ही मजे की और चटपटी होती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ इजाजत दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।